नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान विशेष में। आज की वीडियो में हम छुई मुई के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। इस पौधे की पत्तियों को छूने से ही ये छुकुड़ जाता है, इसी कारण इसे छुई मुई, लाजवंती और शर्मिली के नाम से जाना जाता है। इसकी कई प्रजातियाँ होती है जिसमें पीले रंग के, लाल रंग के और गुलाबी रंग के भी पुष्प होते हैं। वर्षा ऋतु की शुरुआत के मौसम में ये पौधा लगभग पूरे भारतवर्ष में अपने आप उत्पन्न होता है। ये खाली पड़ी जमीन, सड़क के किनारों पर और खेतों में खरपतवार के रूप में उत्पन्न होता है। ये पौधा संवेदनशील होता है, इसकी पत्तियों को छूने मात्र से ही ये मुरझा जाता है। इसी कारण इसे ज़्यादातर भाषाओं में छुई मुई और लाजवंती के नाम से ही जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है माइमोसा पुडिका। शास्त्रों में जिन 64 दिव्य औषधियों का वर्णन मिलता है उसमें से छुई मुई भी शामिल है। इसका उपयोग ज़्यादातर स्तन कैंसर, मधुमेह, कमजोरी मिटाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये पौधा खांसी में भी बहुत ही लाभकारी होता है। खांसी की समस्या होने पर इसकी जड़ को गले में धारण करने मात्र से ही खांसी दूर होती है। यही नहीं दोस्तों, ये पौधा गर्भाशय में उत्पन्न होने वाले ट्यूमर को भी खत्म करता है, जोड़ों में होने वाली सूजन को भी मिटाता है और ब्रेस्ट कैंसर में बहुत फायदेमंद होता है। छुई मुई का पौधा पूरे भारतवर्ष में आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। शरीर में अगर किसी वजह से चोट या घाव हो जाता है तो छुई मुई की पत्तियों को पीसकर पेस्ट बनाएं और उस स्थान पर लगाएं, जल्दी से आराम हो जाता है। दोस्तों, इस पौधे का सेवन करने से पेशाब खुलकर आता है। अगर किसी को पथरी की समस्या है तो लाजवंती की जड़ों को लाए, साव में सुखाए और इसका काढ़ा बनाकर दिन में 3 बार सेवन कराए। 1 सप्ताह लगातार ऐसा करने से पथरी गलकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी। अगर किसी को पेशाब संबंधी समस्या है, पेशाब रुक रुक कर आता हो या जलन हो रही हो तो लाजवंती के पत्तों को पीसकर एक पेस्ट बनाए और पेट के नीचे के भाग की तरफ इसका लेप लगा दे। इस विधि से पेशाब खुलकर आता है और पेशाब की जलन भी खत्म होती है। इस पूरे पौधे के पंचांग का काढ़ा बनाकर कुछ दिनों तक पीते रहने से खांसी और दमा ठीक होता है। दोस्तों, लाजवंती के पंचांग यानी पूरे पौधे को साव में सुखाए और इसका काढ़ा बनाकर अगर आप सेवन करते हैं तो कमज़ोर हड्डियाँ भी मजबूत बन जाएगी। अगर दांत कमज़ोर हो तो इसकी जड़ों का काढ़ा बनाकर कुल्ला करें, कुछ ही दिनों में दांत मजबूत बनेंगे। लाजवंती का पौधा नपुंसकता को भी दूर करता है। शरीर की कमजोरी और दुर्बलता को दूर करने के लिए लाजवंती के बीजों का चूर्ण बनाकर रखें। दोस्तों, मिश्री वाले गर्म दूध के साथ रोजाना लाजवंती के बीजों का चूर्ण का सेवन करते रहें। कुछ दिनों तक लगातार ऐसा करने से शुक्राणुओं की कमी दूर हो जाएगी और शरीर ताकतवर और पुष्ट बन जाएगा। मधुमेह यानी डायबिटीज। लाजवंती के पंचांग के सूखे चूर्ण के पाउडर को 5 ग्राम की मात्रा में लेकर पानी में उबालें। जब आधा शेष रहे तब उतार कर छान कर रोजाना पीने से डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा अगर ये ताजी मिल जाती है तो इसकी पत्तियों का ताजा रस कपड़े से छान कर निकालें 10 से 15 मिली की मात्रा में और पिए। इससे भी डायबिटीज कंट्रोल में रहता है।